दोस्तों, अभी तक आपने चैनल की अल्कोहल सीरीज में बर्बन, व्हिस्की और जिन जैसी कई चीजें देखी। आज का दिन खास है क्योंकि आज बात वोडका की हो रही है। दुनिया में हर सेकंड करीब 200 बोटल्स वोडका कंज्यूम की जाती है और ये टोटल अल्कोहल की बिक्री में 25% कंट्रीब्यूट करती है। तो आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वोडका आलू से बनाई जाती है, लेकिन वोडका को गेहूं और फ्रूट्स के साथ भी बनाया जा सकता है। वोडका प्रोडक्शन में पहला काम है वीट या पोटैटो की क्रॉप्स लगाना, और जब वो एक बार मैच्योर हो जाए तो दोनों ही क्रॉप्स के केसेस में बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से इन्हें डायरेक्टली फार्म से उठाकर ट्रक्स में लोड कर दिया जाता है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं को इसके बाद फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां इसे फिर से पानी के साथ अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद इसे गेहूं को ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड किया जाएगा, और इसके बाद इसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ बड़े बड़े टैंकर्स में छोड़ दिया जाता है, जहां गेहूं भी धीरे धीरे अल्कोहल में बदलने लगता है। अगर आप आलू से अल्कोहल बना रहे हैं तो फैक्ट्री में लाए गए आलू को पहले एक वॉशिंग स्टेशन से गुजारा जाता है, जहां से धुलने के बाद ये पीलिंग सेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है और यहां पर इसके छिलके उतारे जाते हैं। सब सही होने पर अब इसे एक पानी के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर दिया जाएगा ताकि ये लिक्विड बन जाए। अब इसे लिक्विड को फर्मेंटेशन के लिए टैंक्स में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगली प्रोसेस में हम इस मिक्स को 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। वेपर्स इस डिस्टिलर के दूसरी ओर ठंडे होकर इकट्ठे हो रहे होते हैं और हमारे पास जो वोडका आ जाती है उसमें करीब 80% तक अल्कोहल कंटेंट होता है। अब आगे इसे एक फाइनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। जिन वोडका में फ्लेवर की जरूरत होती है उनमें भी फ्लेवर इसी स्टेप में डाला जाता है, और आखिर में बारी आती है इसे डिल्यूट करने की। इस वोडका को डिल्यूट करके इसके अल्कोहल कंटेंट को अब 80-40% तक लाया जाता है और फिर इसे बॉटलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बॉटलिंग के लिए सबसे पहले इन बॉटल्स को पानी से साफ किया जाता है, और फिर इसी ऑटोमेटेड सिस्टम पर चलते हुए ये फिलिंग नोजल्स तक पहुंचती हैं। नोजल्स के नीचे आते ही सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और बॉटल्स भरना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद ये कैपिंग सेक्शन तक पहुंचती हैं, और अंत में इन बॉटल्स में से कुछ बॉटल्स को रेंडमली क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास भेज दिया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस टीम लैब में कई पैरामीटर्स में इसकी जाँच करती है। वोडका की स्मेल से लेकर उसका टेस्ट, टेक्सचर और अल्कोहल कंटेंट सभी कुछ देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी इन वोडका के बनने की कहानी। क्या आपने कभी सोचा था कि इसमें इतनी मेहनत शामिल होगी? आप अगली वीडियो में कौन सा प्रोसेस देखना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।